तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए Realme 7 versus 7 Pro। जी हाँ, Realme 7 versus 7 Pro जो कि हाल ही में लॉन्च हुए थे, उनका कैमरा कंपैरिजन दोस्तों बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैमराज हैं, बट देखना बनता है कि एक्चुअली जो कैमराज हैं वो कहाँ पे जाके स्टैंड होते हैं जब दोनों को कंपेयर करते हैं। दोस्तों दोनों के अंदर ही 64MP का कैमरा है और दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट कहते हैं कि Realme 7 Pro के अंदर AI कैमरा है, तो देखना होगा कि क्या वो AI कुछ जादू कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, खासकर कैमरा कंपैरिजन मेरे काफ़ी ज़्यादा मस्त होते हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ गए हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा में, और फ्रंट फेसिंग कैमरा के अंदर आप लोग देख सकते हैं जब मैं धूप में जा रहा हूँ टोटली किस हिसाब से कलर्स जो हैं चेंज हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी Realme 7 के अंदर टोटली ब्लैक सी इमेज आ रही है, जबकि Realme 7 में मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। कंप्यूटर में जाके देखना पड़ेगा कि कैसे दोनों के कलर्स चेंज हो रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बताता हूँ आपको कि यहाँ पे एक और ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है जो कि है पोर्ट्रेट मोड, वो आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बोके इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है Realme 7 Pro में, जबकि Realme 7 में ये वाला फीचर नहीं है, तो हो सकता है आप इसको मिस करेंगे, बट ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसके अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्लीन बुके ये आपको दे रहा है, जबकि ये जो फीचर है ये मिसिंग है आपके Realme 7 में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक सेल्फी कंपैरिजन, जहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कितना बढ़िया आया हुआ है Realme 7 में, जबकि Realme 7 Pro का टोटली लॉस्ट है। दोस्तों ये जो नेक्स्ट फोटो अगर आप देख रहे हैं, ये है मेरा पोर्ट्रेट मोड, वो भी ग्रुप सेल्फी में। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बंदों की फोटो जो है बिल्कुल साफ सुथरी आई है और पीछे बुक ऑफ इफेक्ट सही आया है। दोस्तों बात करूं मैं अगर इस फोटो की, ये मैंने खींची है अल्ट्रा वाइड मोड में, जिसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि Realme 7 का कितनी क्रिस्प फोटो आई है, थोड़ा डार्कनेस जो है उसकी ज़्यादा है। दोस्तों अभी वाली जो फोटो मैंने ली थी ये 1x जूम के ऊपर ली है, और ऐसे मैं आपको अभी 2x और 5x जूम में भी दिखाऊंगा। दोस्तों 1x और 2x जूम के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सेम क्लैरिटी दिखेगी, बट थोड़ा बहुत फ़र्क है Realme 7 Pro की क्लैरिटी में, क्योंकि Realme 7 Pro के अंदर आता है दोस्तों AI कैमरा, तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता है। तो अगेन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5x जूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने में मिल रहा होगा कलर कंपोजिशन में, बट दोस्तों जो डिटेलिंग है वो आपको Realme 7 में देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कंपेयर कर रहा हूँ रेड एंड ग्रीन्स, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रीन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे Realme 7 में, इंक्लूडिंग रेड एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि Realme 7 का जो कैमरा है वो Realme 7 Pro को पछाड़ रहा है बहुत ही बुरी तरीके से। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फोटो की ओर, जो कि है आपकी एक और ग्रीन कंपैरिजन, साथ ही साथ उसके अंदर मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड भी लाने की कोशिश करी, बेसिकली पोर्ट्रेट मोड में ली है, और दोस्तों दोनों ही बहुत ही वियर्ड आई हैं फोटो। दोस्तों ये वाली भी मैंने अगेन पोर्ट्रेट मोड में ली, बट एक डिस्टेंस से ली, तो देखने की कोशिश की कि अगर डिस्टेंस से लेता हूँ तो क्या होगा। तो दोस्तों Realme 7 Pro ने तब भी सही आउटपुट दिया, बट Realme 7 तो लॉस्ट हो गया दोस्तों। दोस्तों अगेन ये एक मैंने रेंडम फोटो ली, कोशिश कर रहा था कि जो लाइट्स है वो कैसे इसको रिफ्लेक्ट करेंगी और दिखाएंगी, बट उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ देखने को मिला नहीं। दोस्तों ये मैक्रो शॉट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिली Realme 7 Pro में, काफ़ी नज़दीक तक जा पाया है Realme 7 Pro देन टू Realme 7। दोस्तों Realme 7 थोड़ा सा पहले ही आउट ऑफ फोकस रेंज लेना स्टार्ट करते हैं देन टू Realme 7 Pro। हो सकता है दोस्तों कि इसके अंदर जो सिस्टम, इनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हो सकता है उसकी वजह से क्लैरिटी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये जो सारी फोटोज हैं ये सारी इंडोर में खींची गई हैं, आप लोगों को बैकग्राउंड में क्लियर अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेरी सारी फेवरेट्स Realme 7 की हैं, बिकॉज उसका जो बैकग्राउंड है वो एनलाइटेंड है, जबकि Realme 7 Pro के अंदर थोड़ा डल है। आप क्लियरली देख सकते हैं सारी फोटो का जो बेस है वाइट था, बट तब भी Realme 7 Pro ने थोड़ा सा उसको ब्लूइश कर दिया है, और जो इनका टेम्परेचर कंट्रोल है वो ढंग से वर्क नहीं करा है। दोस्तों इस वाली फोटो में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर में आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस मिलेगा, बट हालांकि Realme 7 Pro ने उसका ओरिजिनल कलर कैप्चर किया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं Realme 7 वर्सेस Realme 7 Pro का कैमरा कंपैरिजन, और आप लोग देख सकते हैं मैं बड़ा स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, तो आप लोग स्टेबलाइजेशन को देख सकते हैं, मैंने कोई स्टेबलाइजेशन मोड ऑन नहीं किया, ये एक डिफॉल्ट मोड है जिसमें मैं चल रहा हूँ। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये आ रही है Realme 7 से, और अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये आ रही है Realme 7 Pro से। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा ज़्यादा बेकार लगा। तो
दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अल्ट्रा स्टडी मोड में, और अल्ट्रा स्टडी मोड में मैं पूरा आपको भागते हुए दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसा आ रहा है। ये देखिए मैं भागते हुए ले रहा था और भागते हुए भी इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखा वाइब्रेशन। आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ भागते हुए, बट मुझे इतना ज़्यादा कोई वाइब्रेशन नहीं दिख रहा है। और बाकी हम लोग कंप्यूटर में जब जाएंगे तब देखेंगे कि एक्चुअली कितना स्टेबलाइज़ और कितना वो है। अगर मैं कोई अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल पास से एक शॉट लेके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे शॉट ले पा रहे हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन मैं इसको कहूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअली किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। मेरा कहने मतलब है कि Realme 7 Pro का कैमरा ज़्यादा अच्छा है या Realme 7 का। दोस्तों दोनों ही कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो कि आपने अभी नोटिस किया होगा मेरी वीडियो में। तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा कैमरा पसंद आया, और अगर अभी तक भी मेरी वीडियो का लाइक नहीं किया था प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी।